चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। आपने सारे गर्म कपड़े रख लिए ना अपने? अरे नहीं मोमो, मैंने तो सारे ठंडे कपड़े रखे हैं। तो आप उन्हें गर्म करके रख लें। क्या फायदा होगा मोमो, वो फिर ठंडे हो जाएंगे। हाँ ये तो है। और क्या रखना है? मेरे वो रख लिए। वो क्या? वो जो पाँव में पहनते हैं। मोजे? नहीं, जिसमें मोजे डालते हैं। पाँव? अरे पाँव सूट केस में कैसे आएंगे? और अगर आ भी गए तो सूट केस बंद कैसे होगा? तुम एक काम करो, अपने पाँव जूतों में डाल लो। हाँ हाँ जूते, आपने मेरे जूते रख लिए। फवाद महमूद? नहीं महमूद के नहीं, मेरे। ओ यार तुम अस्पताल में जूतों का करोगी क्या? पहनूंगी जमाल। महमूद? हाँ महमूद के पहनूंगी जमाल। अरे गोली मारो जूतों को यार। हाय अगर गोली मेरे पैरों को लग गई तो फिर है। लो भाई सूटकेस तो तैयार हो गए। अशे अब ना इसको बाहर रख दे, और सुने टैक्सी भी बुलवा लेना, क्या पता कब अस्पताल टूरना पड़े। है? हाँ जी। आप क्या वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं? अरे नहीं भाई, आज आखिरी रोजा है, हमने तो तैयारी कर ली है। इन बैगों में अफतारी है? अरे नहीं भाई, इसमें बच्चे के कपड़े हैं। तो आप क्या चांद रात पे बच्चों के कपड़े बेचेंगे? नहीं यार नबील। फिर? अरे भूल गए यार, डॉक्टर ने यही तारीखें तो बताई थी। तो भाई हमने सोचा कि सामान पैक करके रख लें, जल्दी में कोई चीज रह ना जाए। अच्छा हाँ, तुमने क्या पैक कर लिए बैग? नहीं यार। अरे तो उठो जाओ, बैग पैक करो, और सुनो ईद के कपड़े भी रख लेना, शायद हमें ईद अस्पताल में ही मनानी पड़े। ठीक है महमूद साहब। बात सुने ये भी ले ले, कोई बारिशों का सीजन है कोई पता नहीं। अरे बच्चा अस्पताल में होना, कोई मैदान में नहीं होना। चुप है। ये तुम क्या कर रहे हो नबील? सामान पैक कर रहा हूं जानू। तुम कहीं जा रहे हो? तुम जा रही हो। क्या? हाँ अपने कपड़े निकालो और बैग में डालो। नबील तुम इस हालत में मुझे घर से निकाल रहे हो? नहीं जानू, हमें किसी वक्त भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इसलिए बैग तो कम से कम तैयार करके रख लेना यार। नबील इतने बड़े बैग में तुम क्या घर का फ्रीजर लेके जाओगे? नहीं जानू, कपड़े आएंगे तुम्हारे मेरे बच्चे के। तुम्हारे कपड़े क्यों? क्यों जानू, मैं नहीं रुकूंगा हॉस्पिटल में, मैंने तो सूट सिलवा लिया है 3 पीस। नबील हम हॉस्पिटल छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे, डिलीवरी करवाने जा रहे हैं। तू वहाँ रुकेंगे नहीं क्या? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। 2 दिन के लिए इतनी तैयारी क्यों? अच्छा तुम्हें शायद आज कुछ ज्यादा ही रोजा लग रहा है। हाँ जानू। जाओ जाके इफ्तारी की तैयारी करो, उसका टाइम हो गया है। हॉस्पिटल की तैयारी छोड़ो, उसमें भी टाइम है। ओके जानू। यार महमूद साहब दुआ करें यार, कहीं अस्पताल में ईद मनानी पड़े। मैं पागल हूँ क्या? क्या मतलब? अरे मैं तो चाहता हूँ कि ईद अस्पताल में हो। क्यों? अरे जरा सोचो नबील, कितने लोग हैं जो ईदी लेकर अस्पताल में आते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, और सबसे बड़ी बात कितनी नर्सें होती है वहाँ पे। मैं तो सबसे ईद भी लूंगा। महमूद साहब कुछ तो ख्याल करें यार, आपका रोजा है। उसी के लिए तो ख्याल कर लिया। मुझे नहीं लगता महमूद साहब आज चांद रात होगी। अरे भाई 29 रोजे हो गए, और पिछले कई साल से 29 के ही रमजान चल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कल ईद हो जाएगी। और ना करें यार महमूद साहब, मैंने तो अभी खूबसूरत को शॉपिंग भी नहीं करवाई। जो तुमने अब तक खूबसूरत को नहीं करवाई वो शॉपिंग है? हाँ जी। अच्छा अरे तो आज करवा दो ना। और अगर ईद कल ना हुई तो फिर? अरे तुमने कौन सा उसको आइसक्रीम की शॉपिंग करवानी है, जो कल ईद ना हुई तो पिघल जाएगी। महमूद साहब मुझे लगता कहीं आग लग गई है। तुम्हें कैसे पता? आपको फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज नहीं आ रही? ये फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज नहीं है। फिर रोजा खुल गया है तो यार उठेगा महमूद साहब।
अल्लाह पाक तेरा शुक्र है पाक पर वर्दिगार के तूने इस नाजक हालत में मुझे पूरे रमजान में सब्र शुक्र की तौफीक अता फरमाई है, आमीन। माँ जी आप तो ऐसे कह रही हैं यार जैसे आपने सारे रोजे रखे हो। सहरी और अफ्तारी अकलमंदी से की है ना? पाबंदी। हाँ जी सहरी पाबंदी से की है ना? नबील चलो यार आज तो चलो। जानू मैं तो रोज चलता हूँ। नबील शॉपिंग पर चलो। जानू बच्ची की शॉपिंग तो कब की कर चुके हैं? इस बच्ची की तो नहीं की ना, कल ईद है नबील। जानू जान तो नजर आने दो। इस बात पर जल्दी से बाहर चल के वो देखते हैं। वो क्या? वही जो रात को नजर आता है नबील। अरे ये कौन नबील है जो रात को नजर आता है? ओफ नबील तो मैं आपको कह रही हूँ। महमूद। ओ यार छोड़े महमूद साहब, पता करे चांद नजर आया कि नहीं आया। हाँ चांद चांद, इसी बात पे ना बाहर चल के चांद देखते। अरे इस वक्त चांद कहाँ नजर आएगा? तो कोई नहीं सवेरे देख लेंगे। ओफ यार माँ जी अफ्तारी तो करने दे यार प्रॉपर। मेरे तो गले में बड़ी दर्द हो रही है पुत्र। ओ माँ जी आपने जूस का पूरा जग पिया है यार, गले में दर्द तो होगा। और नहीं पुत्र, सर ऊपर किए किए ना गले में बड़ा दर्द हो रही है। गर्दन। हाँ गर्दन ऊपर किए किए गले में बहुत दर्द हो रही है। अरे तो तुम नीचे देखो ना, हमें ऊपर देखने दो। तो मैं नीचे किसको देखूं मुस्तन सर? महमूद। महमूद को देखूं? उफ। वो रहा। माँ जी वो चांद नहीं सितारा है। और बेवकूफ सितारे के पीछे देख, वो रहा चांद। खुदा को माने माँ जी वो चांद नहीं है। भाई चांद सिर्फ मुझे मिलेगा। हाँ आपको तो मिल चुका है ना पहले ही। हैं? इधर देखें मेरी तरफ, मैं क्या चांद से नहीं मिलती? आ, मिलती हो लेकिन सिर्फ गुलाई में। चुपा नबील छोड़ो यार, चांद नजर आएगा तो पता चल ही जाएगा ना, हम शॉपिंग पे चलते। नहीं जानू मैंने वादा किया था कि जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं घर से नहीं निकलूंगा। किससे वादा किया था? अपने आप से जानू। तुम चांद ढूंढते रहो, मैं जा रही हूँ। जानू महमूद साहब, मेरा ख्याल है अंदर जाकर टीवी पर चांद देखते हैं, जो यहाँ नजर नहीं आता ना वो टीवी पर जल्दी नजर आ जाता है। आए, आए। ठीक कह रहे हो, चलो। ओ माँ जी इधर अंदर, इधर इधर चले माँ जी। यार मुझे नहीं लग रहा यार महमूद साहब का लीड होगी यार। मैं सुबह सहरी में उठना है यार, मैं जा रहा हूँ सोने। आप ही सोए यार, उठते नहीं है आप। लो मोमो कल अफ्तारी के बाद मिलते हैं। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए। चांद 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 यहाँ से सलीम, चांद 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 ओए चांद। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। क्या? हाँ जानू बड़ा टाइम लगा दिया चांद ने नजर आने में यार। नबील वक्त जाया मत करो, चलो शॉपिंग पर यार। जानू इस वक्त तो मार्केटों में बहुत रश होगा, सुबह नमाज के फौरन बाद चलेंगे। अच्छा नबील देखो कपड़े मत दिलवाओ, मगर कम से कम मेहंदी और चूड़ियाँ तो दिलवा दो यार। तुम्हें पता है जानू मुझे मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने चूड़ियाँ ला के तुम्हारे लिए फ्रिज में रख दी है जानू। फ्रिज में? गर्मी बड़ी है ना जानू, मैंने सोचा जब तुम पहनोगी तुम्हें ठंडी ठंडी लगेगी। अरे यार महमूद साहब ईद की नमाज के लिए देर हो रही है। नबील फितरे के पैसे रखिए। जानू किसी ने दिए नहीं तो रखूं कहाँ? नबील फितरा तुमने देना है यार। किसको? गरीबों को। वो मैं और महमूद साहब आपस में तय कर लेंगे यार। महमूद साहब आए ना यार। अरे आ गया यार नबील, तुम तो ठीक तरह से नहाने भी नहीं देते यार। आपको नहाने में इतना टाइम लग गया? अरे अब तो बाल आ गए हैं, सर धोने में जरा टाइम लगता है नबील। अब चले ना यार। अरे पहले ईद तो मिल लो यार। महमूद साहब ईद नमाज पढ़ के मिलते हैं यार, आपकी क्या पहली ईद है यार? नहीं मैं जरा ओवर एक्साइटेड हो गया था। चलें, तुम खीर निकाल के रखना, हम आते ही खाएंगे जी। अरे चलो ना यार नबील, तुम बहुत वक्त जाया करते हो। अरे आए ना यार महमूद साहब। चलो।
माँ जी, माँ जी। अरे, अरे, कौन है कौन है? आप सो रही हैं? तूने सिर्फ ये बताने के लिए मुझे उठाया ज़ुबैदा? मेरा नाम खूबसूरत है। तो तूने ये बताने के लिए मेरी नींद खराब की है? माँ जी, महमूद साहब और नबील ईद की नमाज पढ़ने गए और वापस आके खीर खाएंगे। तो खीर बनेगी तो खाएंगे ना? वैश्य वैश्य। चले आप उठे हो, तैयार हो, किचन में चलते हैं। यार नबील, यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं। अरे ठीक है कि दहशतगर्दी का खतरा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि लोग ईद की नमाज ही ना पढ़ें। महमूद साहब, मुझे लग रहा है नमाज निकल गई है यार। अरे कहाँ निकल गई यार? ओ, मेरा मतलब है महमूद साहब, नमाज खत्म हो गई है। अरे इतनी जल्दी? क्या फजर के साथ ही नमाज पढ़ा दी थी? महमूद साहब, ईद की नमाज जल्दी होती है यार। अब क्या करें नबील? मुझे क्या पता, अकेले पढ़ लेते हैं। और मुझे ईद की नमाज नहीं पढ़नी आती, मैं तो खुद दूसरों को देख देख के पढ़ता हूँ। कैसे मुसलमान हो तुम नबील, तुम्हें ईद की नमाज पढ़नी नहीं आती? कैसी जहालत है ये। चलो घर चलते हैं। हैं? हाँ, घर चल के खीर खाते हैं। महमूद साहब, अरे मैंने खीर खाने को कहा, तो मार खाने को तो नहीं कहा। चले ना यार। शुक्र है कि महमूद साहब पहले से सामान ले आए थे सारा। हाँ पुत्र, अब तू जल्दी से ना काट के बादाम पिस्ते ब्रीक ब्रीक मुझे दे दे। खीर आप बनाएंगी? नहीं, खीर तो तूने बनानी है। तो फिर मैं बादाम और पिस्ते काट के आपको क्यों दूं? वो जब तक तू खीर बनाएगी मैं बैठी बैठी बोर होंगी, इससे बेहतर है बादाम पिस्ते ही खा लूं। माँ जी, चल अब ज्यादा नखरे ना कर, ईद के दिन भी अब तूने काम नहीं करना है। अच्छा अच्छा, अब सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। आज ईद का दिन है इसलिए तेरी सारी बुरी बातें ना मैं अपने दिल से निकाल दी हैं। क्या? हाँ जी। यार नबील, अरे रोजों के बाद दिन में खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ मैं मूसा, ये तो है यार। नबील, ये लोग हमें ऐसा घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? पता नहीं महमूद साहब, मैंने तो बड़ी महंगी आइसक्रीम दिलाई थी यार, शायद हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, इसलिए छुपाकर खाएं छुपाकर। अरे लेकिन अगर मैं छुपा लूंगा तो खाऊंगा कैसे? और यार तो फिर छुपकर आप आइसक्रीम खाएं। वो जो मैं छुपा के खाऊंगा वो आइसक्रीम होगी। हाँ जी। अच्छा जी। बगैर तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो, सर पे टोपी लगाई हुई और ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जी तो करता है कि तुम लोगों को लॉकअप में ले जाकर छितर मारूं। खैर बेशरम हो गए तुम लोग। नबील, ये कौन सी आइसक्रीम दिला दी तुमने? नबील, पता नहीं महमूद साहब। अरे ये आइसक्रीम कहीं बैन तो नहीं है? महमूद साहब, इसके रैपर पे तो कार्टून की तस्वीर बनी हुई थी यार। मेरा ख्याल है जल्दी से घर चलते हैं। हाँ ठीक है महमूद साहब, चलें। हाँ चन्नू, ईद मुबारक हो। वो महमूद साहब, पहले मुझे तो ईद मिलने है यार। हाँ तुम भी मिल लो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप लोगों ने वहाँ ईद नहीं मिली? कहाँ? जहाँ आप नमाज पढ़ने गए थे। अरे वहाँ हमें किसी ने ईद ही नहीं मिलने दी, क्यों नबी? हाँ हाँ, वहाँ बहुत रश था, कम से कम 10,000 लोग तो होंगे, क्यों महमूद साहब? 10,000 ज्यादा नहीं होते, कम अज कम 20,000 लोग होंगे। अच्छा हाँ, मोमो ईद तो मिल लो। आओ जानू, हम भी मिल। बस बस ठीक है। अच्छा जानू, खीर ही ला दो। पहले पड़ोसियों में बांट कर आए, फिर आके खा लीजिएगा। ये क्या बात हुई यार? नबील, ईद पर पड़ोसियों के घर मीठा भेजना चाहिए यार। हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं ना यार, हमारे घर किसी ने क्यों नहीं भेजा? शट अप एंड गो। आओ मेमो साहब, चले यार लाए। ये क्या कर रहे हो? इतनी जोर से मत पहना करे टोपी यार, डरे डरे। अरे चले, मेरा भेजा निकल जाता तो निकल ना जाता, कहीं भेजा आपका।
तुम्हारे हमसाये कितने बदतमीज हैं यार। अगर खीर नहीं लेनी थी तो ना लेते, कम से कम हमें गालियां तो ना देते यार। मुझे लगता है महमूद साहब उनके घर में पहले से खीर बनी हुई होगी। अरे तो उसमें गालियां देने वाली कौन सी बात थी यार। मैं तो पहले खूबसूरत को मना कर रहा था महमूद साहब कि ऐसे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। अब वैसे महमूद साहब आंटी थी अच्छी। वो जो अच्छी थी वो आंटी थी। आंटी मोमो की उम्र की थी। चलो अंदर चलो। मेरे ख्याल में महमूद साहब ये खीर हम लॉन में बैठ के खा लेते हैं। क्यों? हम लेके जाएंगे ना, हमारी बीवियां फिर भेज देंगी किसी और को देने के लिए। हाँ ये ठीक है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। हाँ जानू खा लिया। खा लिया मतलब? अब वो जिनको बांध कर आया ना, उन्होंने हमारे सामने खा लिया। अरे वाह, चलें बाप लोग शीरमाल और कोरमा खा लें। शीरमाल और कोरमा नहीं माँ जी, खीर। हाय जब भी तो मैं कहूँ कि मुझे खीर में कोरमे की पोटियाँ क्यों नहीं नजर आ रही हैं? आ जाए ना अभी, खा लें आप लोग। हाँ यार मेरा दिल नहीं चाह रहा। आज भी रोजा रोजा सा फील हो रहा है ना महमूद साहब। हाँ नबील। हाँ जानू। मेरी ईदी कहाँ है? मुझे क्या पता, तुमने कहाँ रखी थी? नबील तुमने जो मुझे ईदी देनी थी वो कहाँ है? जानू वो तुम्हारे पापा ने अभी तक भेजी नहीं है। क्या? हाँ जानू अब मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वाहियात आदमी, ईद का दिन भी सो के घर पर ही गुजारना इसने। पता नहीं किस किस्म का इंसान है ये, हर वक्त सोया ही रहता है कमरे में। सोने जा रहा हूँ कमरे में। यार नबील इस दफा ईद मनाने का कुछ मजा नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं महमूद साहब, कोई हमसाया ईद मिलने नहीं आया यार। मेरे तो ससुर ने मुझे ईद नहीं भेजी। वो तो बहुत ही कमीने हैं। बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। खूबसूरत। Shut up. Same to you. मीरा ना बनो। महमूद साहब आपके कान भी वही सुन रहे हैं जो मैं सुन रहा हूँ। नबील लगता है गली में कोई एम्बुलेंस आई है। हजरत अफ्तार का टाइम हो गया है, रोजा अफ्तार कर ले। महमूद साहब ईद के दिन अफ्तार? अरे किसने कहा था कि ईद का चांद नजर आ गया? मुझे तो खूबसूरत ने कहा था। मुझे माँ जी ने कहा था? माँ जी? उत्तर मैंने तो खुद सुना था टीवी पे कि सऊदीया में ईद का चांद नजर आ गया है। ओ माँ जी, सऊदीया में तो एक दिन पहले ईद होती है यार। अशावशे। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई